Hi friends, this is SST Guru and I welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to study class 9th history chapter 1st, that is French Revolution. इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी जो है चार लेक्चर्स में दे चुका हूँ. उन सभी वीडियोस का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा. आप पहले उन वीडियोस को देख लो ताकि चैप्टर जो आगे हमारा जब बढ़े उसे समझने में आपको आसानी हो. और जो लोग देख चुके हैं या फिर जो भी नए भी जो भी लोग हैं वीडियो देखो, तो मेरे साथ एक हमेशा स्टेटमेंट रहता है, मेरे साथ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक और पेंसिल मस्ट है. तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो, पेंसिल साथ में ले लो और चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग अपना. पेज नंबर आप निकालो 14. टॉपिक नंबर 3 है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. ये हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, फ्रांस जो है मोनार्की को ख़त्म करता है और एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश होता है. बात करें मोनार्की की, तो पहले के वीडियोस में भी मैं कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनार्की क्या होता है. किंगशिप हो गया एक तरीके से, राजा या रानी के अंतर्गत जो शासन होता है, द रूल अंडर किंग और क्वीन इज नोन एज मोनार्की. और रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक का भी जिक्र कई बार हो चुका है. रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री. जो राज्य का हेड है, कंट्री का जो हेड है, वो नागरिकों के द्वारा चुना गया, तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, वो आपका रिपब्लिक हो जाता है. ठीक है ना. चलिए हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं. हम लोग टॉपिक देखते हैं. हम लोग कहता है कि द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. पीछे जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें कि हम लोग आपको टेनिस कोर्ट ऑथ के बारे में पढ़े, जो लुई 16 को भागने मजबूर किया गया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, महिलाओं का भी थोड़ा बहुत जिक्र आया, तो उन सब घटनाओं के बाद कहता है कि फ्रांस का जो कंडीशन है कुछ सालों तक बहुत टेंस सिचुएशन में रहा. अल्दो लुई 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इन टू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रसिया. लुई 16 से ज़बरदस्ती जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई गई थी नेशनल असेंबली के द्वारा, तो उस पर साइन करा लिया गया, उसकी सहमति ले ली गई. लेकिन लुई 16 अभी भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं था पूरे मन से, अपनी मर्जी से वो जिस चीज़ के लिए राजी नहीं था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा. लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में भी बताया था. जिन्होंने भी वीडियो देखा है वो कमेंट करके बताया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा सा पीछे जाके देखो ताकि तुम्हारा भी फायदा हो और गुरुजी का भी फायदा हो. तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी. ज़बरदस्ती जो है डर के लुई 16 तो मान गया, लेकिन अब इस चीज़ को तोड़ने के लिए वो सीक्रेटली, वो किसके साथ, प्रसिया के राजा के साथ नेगोशिएशंस बातचीत चल रही थी उसकी. रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. आसपास के जो रूलर्स थे, जो मोनार्क थे, उन्हें भी अब इस बात से डर रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल गई थे ना फ्रांस में, कि अब शासकों को डर लग रहा था कि पता चले कि कहीं हमारे देश के जो लोग हैं वो कहीं हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दें, है ना, वो जो है लाठी लेके खड़े ना हो जाए. तो रूलर्स जो हैं अब क्या हुआ, सीक्रेटली अपनी आर्मी को भेजना शुरू किए, कहाँ, फ्रांस के सपोर्ट में, ताकि फ्रांस जो है इस तरीके के सिस्टम को एबोलिश कर सके, खत्म कर सके. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें हम लोग देखते हैं, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया. लेकिन नेशनल असेंबली जो थी वो भी इस बात को कहीं ना कहीं सेंस कर गई थी, महसूस कर गई थी, और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली जो है, चूंकि पावर नेशनल असेंबली के हाथ में थी, तो नेशनल असेंबली 1792 में वोट करती है और क्या डिक्लेयर करती है, वॉर डिक्लेयर कर देती है. किसके खिलाफ, तो देखिए ऑस्ट्रिया और प्रसिया के खिलाफ ये वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है. किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा. अब कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी. अब हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स थे ना, वो आर्मी ज्वाइन करने लगे. किस लिए, इनसे लड़ने के लिए. ठीक है, प्रसिया और ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए. दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को. लोगों क्या लग रहा था, किस फीलिंग के साथ वो लड़ रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हम पूरे के पूरे यूरोप की जो मोनार्की है, जो एरिस्टोक्रेसी है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उसको जड़ से समाप्त कर देंगे. क्योंकि फ्रांस की जो जनता थी ना, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी, और ऑलरेडी इनका मोटो ये हमेशा से रहा, फ्रेंच रिवोल्यूशन या फिर आप क्लास 10th में भी जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ोगे, तो वहाँ फ्रांस के बारे में जिक्र इसीलिए देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रांस ही वो देश था जो सबको मोटिवेट किया मोनार्की जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए. तो फ्रांस की जो जनता थी वो इस मकसद के साथ इस रिवॉल्यूशन में जुड़ी, कि उनका मानना था कि पूरे के पूरे यूरोप से क्या करेंगे, मोनार्की को खत्म कर देंगे.
Among the patriotic song they sang was the Marseillaise composed by the poet Roger D. Leslie, and it was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. देखिए अब कहता है कि जैसे हम लोग भी क्या क्या होता है कि अक्सर कुछ अगर चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई संगीत हमारे साथ जुड़ा होता है, तो ऐसे ही पैट्रियोटिक सॉन्ग जो इनके इनके ये लोग गाते थे वो मर्साइल्स था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, तो पोएट थे रॉजर डी लेस्ले, इनके द्वारा लिखा गया था। और मर्साइल के जो निवासी थे वो जब मार्च कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो पहली बार वो लोग गाना गाए और वहीं से ये जो सॉन्ग है वो फेमस हो गया। द मर्साइल्स इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और अब जो ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, तो भीतर लाइन कर लो बच्चों, स्टार मार्क देखे, आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल, नो डाउट, ये तो होना ही है। कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है तो कंट्री की इकोनॉमी डाउन होनी ही है। सेम थिंग हैपन विद द फ्रांस ऑल्सो, जो ये क्रांतिकारियों की जो लड़ाई चल रही थी इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी फ्रांस की वो क्या हुई, डाउन होने लगी, ठीक है, इकोनॉमी डाउन होने लगा। व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब चूंकि फ्रांस के जितने भी पुरुष थे, जो भी मेल थे, वो क्या थे, सबके सब रिवोल्यूशनरी बने फिरे थे और सबके सब लड़ाई पे निकले हुए थे। अब इधर महंगाई बढ़ी हुई थी, अब फैमिली को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर आ गई, तो जो महिलाएं थी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कंप्लीटली फैमिली को चलाने का। और अभी हम लोग पढ़े कि इकोनॉमी डाउन थी, मतलब महंगाई बढ़ी हुई होगी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन लेड टू द हैड टू बी कैरिड फॉर द एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट वन टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। काफ़ी संख्या में लोगों का ये माना था कि जो रिवॉल्यूशन चल रहा है चलते रहना चाहिए, क्यों, तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मैक्सिमम जो अमीर लोग थे जिनका वॉलेट का जो है साइज मोटा था, है ना, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिले थे, और इसमें अब हम लोग ये रिवॉल्यूशन करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार लेंगे। सॉरी, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। देखिए अब क्लब्स की फॉर्मेशन की गई, पॉलिटिकल क्लब, राजनीतिक क्लब बनाए गए, और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों पर हीटेड डिबेट होने लगा, यहाँ पर डिस्कशन होता था, लोग अपने अपने मुद्दों पर बातचीत करते थे। The most successful of these clubs was that of the Jacobin, which got its name from the former convent of Saint Jacobin Paris. और इसमें सबसे जो famous जो club था, political club, वो था Jacobin Club. इसको नाम कैसे मिला, तो Saint Jacob जो Paris में थे उससे इसको नाम मिला है। ये नाम ध्यान रखना है, आगे आएगा काफ़ी ज़्यादा, Jacobin Club की बात मैं कर रहा हूँ। कहता वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही आगे रहें, है ना, महिलाएं जो हैं ये लोग भी अपना एसोसिएशन बनाई और ये लोग भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट की मूवमेंट्स में। सेक्शन 4 जो है इस चैप्टर का, उसमें हमें आगे सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टार मार्क देकर भीतर लाइन कर लो। कहता है कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, जो भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे जैकोबिन क्लब के, वैसे लोग थे जिनके पास पैसा जो है ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, इनके पास पैसे की कमी थी, है ना, डॉलर के नाम पे, पैसे के नाम पे जो है वो शॉर्टेज था, लेस प्रॉस्परस थे, पैसा था लेकिन इतने ज़्यादा समृद्ध परिवार के वो लोग नहीं थे। दे इंक्लूडेड, देखिए इसमें कौन कौन से लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर, छोटे मोटे दुकानदार थे, आर्टिसन थे, शॉप का शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक वाल थे, वॉच मेकर थे, प्रिंटर थे, ये सारे के सारे सर्वेंट्स, डेली बेस पे काम करने वाले, इस तरीके के लोग जो हैं जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। तो ऐसा नहीं है कि जूता बनाने वाला या जूता पॉलिश करने वाला जूता पॉलिश करके करोड़ों कमाता। देयर लीडर वॉज मैक्स मिलियन रॉबेस्पायर, और इनका तो जो नेता था वो कौन था, रॉबेस्पायर, क्या नाम था, मैक्स मिलियन रॉबेस्पायर, नाम याद रखना मुन्ना, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना, आगे बहुत काम आने वाला ये बंदा जो है, आपको टेंथ तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, सो नाम आज ही याद कर लो। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाई डॉक वर्कर। देखिए आपने बुक में देखो साइड में एक तस्वीर दिख रही होगी यहाँ, तो कहता है कि जैकोबिन क्लब के ज़्यादातर जो मेम्बर है ऐसा ही स्ट्रिप्ट
पट्टीदार पैंट पहनते थे, जैसे कि डॉक पे काम करने वाले जो वर्कर्स पहनते थे वैसा, ये खुद को एक सिमिलर दिखाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नो वन हु वोर नो नी ब्रीचेज। और ये किस लिए किया गया था, तो जो अमीर वर्ग था उनका जो कपड़ा पहनने का जो तौर तरीका था उससे अलग डिफरेंट शो करने के लिए, ठीक है। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियर्स ऑफ नी ब्रीचेस। देखिए उनका अपना ड्रेसिंग कोड था नी ब्रीचेस, तो कहता है कि बेसिकली ये जो ड्रेस कोड वो यूज कर रहे थे ये शो करने के लिए कि अमीरों का जो है समय वो समाप्त होता, अब हमारा आ गया अपना टाइम आएगा, जो गाना है वो अपना टाइम आ गया। The Jacobins came to be known as the sans clotters, literally meaning those without knee breeches. और इन्हें sans clotters के नाम से जानते थे, मतलब वो जो knee breech नहीं पहनते हैं। Sans clotters men wore in addition the red cap that symbolized liberty. मेल जो थे इसके साथ साथ और क्या पहनते थे, लाल रंग की टोपी जो कि लिबर्टी आजादी का प्रतीक था। Women however were not allowed to do so. लेकिन महिलाओं को ये आजादी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब देखिए 1792 में क्या होता है, जैकोबिन जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्यों किस लिए, तो प्राइसेस जो फूड की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इससे वो लोग खिसियाए हुए थे, अपने भोजपुरी की भाषा इन द सेंस कहते हैं नाराज थे, काफ़ी ज़्यादा एंगर्ड थे, गुस्सा थे। On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries and massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. लो भाई, किले पे हमला किए, गार्ड्स को मारे और राजा को जो है बंदी बना लिया गया, ठीक है, राजा को बंधक बना लिया गया और कई घंटे तक उन्हें वैसे ही रखा गया। फिर क्या होता है उसके बाद की कार्यवाही देखते, कहता लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली किस पक्ष में वोट किया कि रॉयल जो फैमिली है, राजा का जो परिवार है, सबको जेल में डालो। जेल भरो आंदोलन शुरू करते हैं यहाँ से। एंड इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव हुआ फिर से, अभी तक देखो चुनाव के निशानी अभी तक खत्म नहीं हुआ। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 इयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। भीतर लाइन करने का मुन्ना, ये देखो जो भी नए हैं उनके लिए बता देता हूँ पहले ही, जैसे मैंने ऐसे किया इट मीन्स वॉट यू हैव टू अंडरलाइन दैट स्टेटमेंट। तो कहता है कि अभी से अब क्या कर दिया गया कि 21 साल से ऊपर के जो भी है, चाहे उसके पास वेल्थ हो या ना हो, उसे वोट देने का अधिकार अब दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। और जो नई असेंबली जो इलेक्ट की गई उसे क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया गया। इसे भी भीतर लाइन कर लो जल्दी से। And on 21st of September 1792, it abolished the monarchy and declared France as a republic. और कब, इसको फिर से अंडरलाइन करो, 21 सितंबर 1792, 21st of September 1792 को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो है फ्रांस जो है मोनार्की के अंडर नहीं रहेगा। फ्रांस जो है अब यहाँ से क्या होता है, एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पे डिक्लेयर किया गया। एंड एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो आगे ने बात, तो आप अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर लो कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। और सबसे खास बात कि पपौती सिस्टम नहीं होता है। पपौती सिस्टम समझ रहे हो, मतलब बाऊजी राजा, बाऊजी के बेटा जी राजा, उसके बाद उनके बाद उसके बाद उसके बाद बैटिंग करते जाएंगे, आते जाएंगे राजा साहब, है ना। तो ऐसी कोई भी सिस्टम जो है इसमें नहीं होती है रिपब्लिक के। मगर अगर 5 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट चुना गया तो फिर अगले 5 साल बाद वो चेंज हो सकता है, चुनाव होगा, वोट जो लोग जिसको करेंगे वही जो है चुनाव जीत सकता है। कई देशों में ये सिस्टम है कि 2 बार से ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ, थोड़ा सा सर्च करो, गूगल करो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कोई जो क्या कैंडिडेट है कितनी बार चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनाव मतलब प्रेसिडेंट बन जाने के बाद नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम, ऐसे वो कितनी बार चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट, ये छोड़िए। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। अब देखिए लुईस 16 को जो है मृत्यु की सजा दे दी गई कोर्ट के द्वारा। क्या आरोप लगा, धोखाधड़ी का, चीटिंग का, देशद्रोही का, सब लग गया। On 21st of January 1793, he was executed publicly at the Palace de la Concorde.
और अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज को, 21 जनवरी 1793 को उसे मार दिया गया, एक्सिक्यूट कर दिया गया, कहाँ पे? पैलेस डे ला कॉनकॉर्डे। एंड द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जो रानी थी उसके साथ भी यही हुआ, है ना। राजा को रानी से प्यार हो गया तो साथ में जाना भी तो था। अब देखिए, अब राजा मर गया, तो सत्ता किसके हाथ में आई? तो सत्ता जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इनके बारे में बात किए थे, कौन है ये जनाब, कौन है? तो है, ये है आपके मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। तो देखिए अब इनका शासन आता है। अब इनके शासन क्यों ही डिफाइन किया गया, द राइन ऑफ टेरर के तौर पे।